there are some aksharas that are missing in the new Sanskrit aksharmala. Okay. So, like in Telugu, for example, sab hai, if you see the swaras, these two are additional in Telugu. Kaun se? The X mein likha hua hai. X. A hai A. Magar A ke saamne Telugu mein A. Short. Small. A, short. Small. Haan, A aata hai. Aur A. A. ओ भी स्मॉल ओ छोटा आता है तेलुगु। हाँ, आपने शायद एक बार पहले बोला था कभी तो कि उसके तीन हैं आपने बोला हाँ, था या देर आर इज वन मोर फैमिली उसके छोटे बच्चे हैं दो बच्चे तेलुगु फैमिली उनको भी मैं संस्कृत पढ़ा रहा था तो उन्होंने भी मुझे हाँ, बताया था कि उनका ए आई में एक और भी होता है तीन होते हैं इंस्टेड ऑफ टू। तो और व्यंजन में ये नया संस्कृत में मिसिंग है ये ओके ये तो हाँ ये मराठी में होता है आई कैन सी दिस इन मराठी। हाँ वो तेलुगु में भी है मगर ओके नया संस्कृत में आई डोंट नो व्हाई दे रिमूव्ड इट बिकॉज इट्स अ यूनिक प्रोनाउंसिएशन द टंग टचेस द रूफ ऑफ योर माउथ राइट करेक्ट करेक्ट मे बी उसका जो ग्रंथ जैसे इवन जो आपने ये वाला अक्षर देखा होगा ना एक सेकेंड मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ ये लृ लृ हाँ 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 लृ जो है उसके बारे में भी है कि ये बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं हुआ होता है तो पुराने ग्रंथों में भी दिखता है तो एक दो जगह पे ही दिखता है ज़्यादा नहीं है तो हाँ हो हाँ सकता है कि वो यूसेज के कारण कोई कोई लेटर्स जो है लाइक ऑब्सोलीट बन गए बिकॉज दे आर जस्ट नॉट यूज्ड मच। We have to start using it. We shouldn't cut down our. हाँ we shouldn't एक्चुअली remove. हाँ तेलुगु में भी ये निकाल दिया गया है. ल ये ऊपर जो लिखे हैं ना हाँ ये वाला हाँ वो निकाल दिया है नया नया जनरेशन में आजकल वो नहीं दिख रहा है बट दैट इज नॉट द वे टू गो अबाउट लैंग्वेज एनी फॉर लैंग्वेज। लैंग्वेजेस हाँ एनी लैंग्वेज वो हाँ में ठीक है तो हम लोग तो बढ़ा सकते हैं मतलब वी आर द वंस किसी और को तो बोलने की जरूरत नहीं है वी प्रमोट देन पीपल स्टार्ट पर यूजिंग होता क्या है ना कि मतलब उससे रचित शब्द होने चाहिए प्रयोग में रखने के लिए भी उससे रचित शब्द होने चाहिए तो वो प्रयुक्त होगा फिर हाँ एंड तो बनाएंगे नवीन जी कैन सजेस्ट समथिंग जैसे हमने वो कौन सा रिकॉर्डिंग के लिए हमने खुद से बना के देखा ज्ञान संरक्षण जो हाँ संरक्षण तो चलचित्र संरक्षण गीत संरक्षण ऑडियो रिकॉर्डिंग वीडियो रिकॉर्डिंग ज्ञान संरक्षण इज फॉर जनरल थिंग तो बनाएंगे नया शब्द बनाना है और पुराने जो शब्द है वो भी उपयोग करना है हाँ जो पहले के हैं वो लेकिन तो करना इसमें एक दिक्कत हो जाती है ना आचार्य जी कि जब हम नया शब्द बनाते सॉरी या गीता जी आप कह लीजिए फिर मैं कहती हूँ No, I was just telling you, we don't have terms. Most of the words have only terms. Gita ji, there is so much khachar when you are speaking. Is it Gita ji's? One second. Everybody else, can you mute yourself for a moment? हाँ गीता जी के पास मी दे नीचे वस्ता हूँ अंडे चाला गोल वस्ता हूँ from mine नहीं आई थिंक मोआ जी ड्रॉप्ड आउट तो नाउ इट इज वेरी क्लियर तो मोआ जी के उसमें था कुछ तो डिस्टरबेंस मे बी। हाँ गीता जी या यू कैन स्पीक या आई वाज जस्ट टेलिंग टेलिंग इन तेलुगु भाषा यू हैव maximum usage of sir for everything not sha even for अच्छा shiva shiva
Tamil th and pa and ba are all same, so they have very less number of vowels. And there may be more usage for a particular akshar, that is fine, but each akshar has its own unique sound. If we eliminate that sound, that is not good, right? We won't be covering the spectrum, whole spectrum of the vocal vocal abilities. Correct. Because Sanskrit is created based on our natural vocal abilities, so every akshar has importance. So it's correct that we cannot leave out something. जैसे वो प्रैक्टिस में चला जाता है तो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर नॉट एबल टू स्पीक ह ह जो साउंड है, जो महेश या हिमालय में जो साउंड होता है ह का, वो देयर आर आई थिंक तमिल हैज दैट थिंग दैट वेयर द ह इज प्रोनाउंस्ड एज ग, तो दे से मगेश समटाइम्स आई हैव हर्ड, तो वो मगेश बोलेंगे तो ह का यूसेज कैसे होगा? हाउ विल द ह देयर थ्रोट विल नेवर बी प्रैक्टिस्ड फॉर सेइंग दैट फॉर सीता इन फैक्ट आई वाज जस्ट वांटिंग टू आस्क कि वो जो वीडियो मैंने शेयर किया था संस्कृत द लैंग्वेज ऑफ द सोल, किसी ने देखा वो लाइक दोनों पूरा वीडियो? उनमें से एक तो मैंने देखा. ओके, बिकॉज इन द क्यू एंड ए ऑल्सो आचार्य जी ने बहुत अच्छे से बोला है कि काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी स्पीच डिसेबिलिटीज होती है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय टीचिंग देम संस्कृत दीज चिल्ड्रन हैव ओवरकम देयर स्पीच डिसेबिलिटीज कम्प्लीटली. लाइक जैसे तोतलाना होता है कि ऐसे काफी सारी जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चों में वो कम्प्लीटली क्योर हुई है over a period of time and research has proven it, but it's just that research ko unhone quantify nahi kiya hai abhi tak. Correct. Unhone wo bataya hai ki if a child practices Sanskrit, not just child, anybody, कोई भी यदि संस्कृत प्रैक्टिस करता है तो उसका वोकल एबिलिटी जो है टू मेक डिफरेंट साउंड्स ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स कंप्लीट, तो फिर उसके लिए लर्निंग एवरीथिंग एल्स बिकम्स इजियर. जी, लेकिन मैं पहले जो कह रही थी, जब गीता जी कह रही थी, एक छोटा सा डाउट आया था मन में कि जैसे हम लोग अब नया शब्द बनाते हैं दो शब्दों को जोड़कर, तो उसमें मुझे एक हल्की सी दिक्कत ये नजर आती है कि आपने क्या बोला स्टोरेज के लिए चलचित्र संरक्षण, हाँ तो चलचित्र संरक्षण संस्कृत के हिसाब से एक्चुअली बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, क्योंकि संस्कृत इज ऑल अबाउट स्मॉल, छोटे में बहुत ज्यादा बोलना. हाँ. तो चलचित्र संरक्षण अगर हम लोग बनाते हैं नया शब्द, और वो भी उन्होंने आचार्य जी ने बोला हुआ है वीडियो में कि जो नया संस्कृत है वो एनीवेज इज नॉट सिमिलर टू द वैदिक संस्कृत, तो बोलचाल के लिए ठीक है बट इट इज नॉट फॉलोइंग इन सिंक विद व्हाट ओरिजिनल संस्कृत कैन बी. हाँ, अब देखो ये तो सही बात है, लेकिन नए शब्द हम तब बनाते हैं जब हमको उनकी जरूरत होती है. ठीक है, इसका मतलब है कि वो जो चीजें हैं, जैसे मान लो कोई रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डर जैसी कोई चीज पहले दुनिया में होती ही नहीं थी उस टाइम पे जब संस्कृत शुरू में बनी थी या जब यूज होती थी इतनी ज्यादा, तो तब रिकॉर्डिंग का कोई मतलब ही नहीं था, बिकॉज एवरीथिंग वॉज इन आवर कल्चर स्पेशली एवरीथिंग वॉज श्रुति बेस्ड ना, श्रुति और स्मृति. तो आपने बोला, मैंने समझा, और मैं उसको अब बोल बोल के ही दूसरों को बताऊंगा. देर इज नथिंग टू राइट, देर वॉज नथिंग टू राइट, नोबडी यूज टू राइट एनीथिंग, तो इसीलिए तब ये रिकॉर्डिंग का कोई मतलब नहीं था. तो आज के दुनिया में लेकिन हमको अब समझ में आया कि ओके, रिकॉर्डिंग इज समथिंग विच इज यूज्ड टूडे, तो तब हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि ओरिजिनल संस्कृत के वर्ड्स को यूज करके वी मेक समथिंग यूजफुल विच इज अप्लीकेबल टुडे. नहीं तो फिर हम भी कोई मन से कुछ भी गुलू मुलू कुछ नया शब्द इन्वेंट कर देते हैं, एंड देन वी जस्ट अज्यूम कि ओके दिस इज टू बी यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग. दैट इज टफर टू
propagate, because it doesn't relate to the original meaning of what you want to do. So what I have noticed is, even in Telugu and other Indian languages, people are scared, or the authorities for those languages are scared, or like they don't take steps to create new words. They're like they want to use the English word and like attach it to it, or they're not ready to be creative and create a new word. Don't worry, आज अपन कर रहे हैं ना चालू, तो we will become those propagators of all the whatever comes, हमारे capacity में जितना है हम करेंगे, कोशिश करेंगे, we will propagate. Yeah, that will be good for our languages. हाँ, क्योंकि इट्स लाइक पुटिंग एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट ना, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि सब, तो वी जस्ट कीप होपिंग कि समबडी एल्स विल डू इट. पर सबसे आसान है, जो गांधी जी ने एक बात अच्छी बोली कि बी द चेंज, तो व्हाट एवर यू वांट टू चेंज बिकम दैट. तो अपन करते हैं. तो इफ वी डोंट डू दैट, इट विल स्टॉप द ग्रोथ ऑफ आवर लैंग्वेज. जो भी वो पढ़ा हुआ है, like we'll be only learning that, but it will not grow. It will just remain as it is. पर अच्छा है, अभी बहुत लोग थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं, जैसे अपने सौरभ जी जो हैं, एक और जो ग्रुप में, वो संस्कृत में गीत लिखते हैं, तो हम अभी, मैं भी उनसे पिछले हफ्ते बात कर रहा था, तो हम लोग कुछ एक नया लिखने की कोशिश करना चालू कर रहे हैं. तो थोड़ा थोड़ा नया क्रिएशन जब होगा ना, जिसमें सौरभ जी का स्वर स्वर बहुत अद्भुत है, उनका आवाज जो है वो कैप्टिवेटिंग है. हाँ, अच्छी आवाज है उनकी, काफी बढ़िया आवाज है. तो अच्छा है, मतलब वी आर लकी टू हैव हिम आल्सो. तो कई लोग लगे हुए हैं, एक री संस्कृत करके भी चैनल है, आपने शायद देखा होगा, जो छोटे छोटे पोस्टर्स बनाता है कुछ कुछ चीज़ों के ऊपर संस्कृत में. मुझे पहले किसी ने बताया था कि शायद वो सौरभ जी का है, फिर बाद में सौरभ जी ने बोला कि नहीं, उनका नहीं है, किसी और का है. पर ठीक है, चलो आज का चालू करते हैं. आज हमने काफ़ी बढ़िया चर्चाएँ कर ली. गीता जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? कैन यू हियर अस? मम मया श्रणोसी वा गीता महोदय? गीता महोदय, पचक कार्य व्यस्तम अस्ति. आपने सुना मैंने क्या कहा? हाँ हाँ, यूट्यूब पे जाते हैं कुकिंग और सब, ओके. चलो, तो हम सबसे पहले अपना कंठ सुधार कर लेते हैं, ओम बोल के. तो ओम उच्चारण, ओंकार की ध्वनि उच्चारण. तो नेत्राः पिगेहि. Oh.
उत्तमम्. अद्यः नवीन शब्दः पश्यसि वा. व्हाट्सएप चैट. विद्युत कोशः. बैटरी. विद्युत दीपः. विद्युत दीपः. रात्रि दीपः. रात्रि दीपः. नाइट लैंप. और जस्ट फॉर अ लैंप आल्सो दे से रात्रि दीपः. इन तेलुगु से रात्रि ओनली. फॉर नाइट. फॉर नाइट इन तेलुगु वी से रात्रि. रात्रि करेक्ट. हम तो हमेशा ही करते हैं ना शुभ रात्रि. तो रात्रि इज यूज्ड इन मेनी अदर लैंग्वेजेस आल्सो. And there is one more. Gol Deepah. Something like that. Gol Deepah. I have seen it somewhere. Okay. We will not spend too much time there. But Naveen Shloka. Geeta Mahodaya chat Likati. Geeta Mahodaya. Intermittent voice coming. Oh, it is going to disconnect in 5 minutes, so please join back. There is some disturbance from Mohaji's side. Mohaji, do you know of it? Is it or? मैंने अभी अभी clear है या? Just check on ma'am. जब आप बात कर रहे हैं क्लियर हो रहा है, मगर आप जब बात करना रोक देती हैं देन इट द वॉइस एम्प्लीफाइज. देयर इज सम डिस्टरबेंस दैट इज एम्प्लीफाइड एज सून एज यू स्टॉप टॉकिंग. मोहा जी वो है तो पता नहीं, मे बी इट्स अ फैन नॉइस या फिर समथिंग एल्स. आई डोंट नो व्हाट इट इज. मैंने बंद कर, यहाँ पे ऊपर चालू था तो मैंने बंद कर दिया. Okay. अभी भी आ रहा है. It was not a fan noise because fans noise is usually continuous, but this was like तो ऐसे बीच बीच में आ रहा था. अभी नहीं है, अभी ठीक है. हाँ अभी ठीक है थोड़ा. तो आप यदि कोई हेडसेट यूज करती हैं तो शायद उससे भी फर्क पड़ता पड़ेगा. मे बी यू कैन ट्राई. हम लोग आपको एक हेडसेट लेके भेजेंगे, संस्कृत हेडसेट. ओके चलो, तो एक नया पेज बनाता हूँ मैं. आज हम एक नया श्लोक सीखेंगे. टुडे वी विल लर्न अ न्यू श्लोक फर्स्ट. Then we will move on to more of usage spoken. तो आप लोग साथ में लिख सकते हैं, पेन पेपर यदि लेके बैठे हैं. आई एम निजम.
परोवेति। पहले पूरा लिख लेते हैं फिर बात करेंगे इस पे। गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम अब जो लिखने जा रहा हूं मैं, आपको लगेगा आहा ये है क्या इसके आखिरी में। दिस विल बी योर आहा मोमेंट इफ यू डोंट नो दिस श्लोक, मे बी यू यू नो दिस श्लोक। उदार चरित नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। आचार्य आई डोंट नो, मे बी आई हैव सम प्रॉब्लम विद माय लैपटॉप, द फर्स्ट लाइन इज नॉट विजिबल। Oh, something. The second line is visible. Something. The WebEx. Everyone, because it is doing. It is showing the host's name. वो सबके लिए ही है. Even Anshu Singhare is वो जो है वो लिख के सबको आ रहा है. सबको हो रहा है क्या ऐसा? नहीं मुझे. हाँ वो परोवेति है ना. मुझे परोवेति के बाद आ रहा है स्क्रीन पे. परोवेति और गणना. गणना नहीं दिख रहा है, लघु चेतसाम से चेतसाम ही दिख रहा है, तो वो बीच में वो व्यूइंग अंशु सिंगारेस एप्लीकेशन ये उसके ऊपर आ जा रहा है। मुझे पूरा दिख रहा है, इट्स प्रोबेबली योर डिस्प्ले सेटिंग्स, सो मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। कोई सेटिंग होगी जो फुल स्क्रीन लगाती है, तो आप देखो कोई फुल स्क्रीन वाली सेटिंग है क्या, तो गीता जी एंड मोहा जी, तो फिर शायद दिखेगा, नहीं तो मैं उसको फिर से लिख देता हूँ नीचे भी। आई मे बी आई जस्ट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है क्या? वो बहुत भाषा में अनुवाद हो चुके हैं और करेक्ट आजकल YouTube में भी पड़े हुए हैं, उनके वेरिएशंस भी आ चुके हैं। ये देखो, हाँ वो आपका स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ना, एक मिनट में दूसरे व्यू मोड पे चलेगा। ये संस्कृत भारती की एक आई है पतली सी, दिस इज जस्ट 15 रुपीज। पंचतंत्र कथाएं, तो इसमें संस्कृत में 26 कथाएं हैं पंचतंत्र की, तो इन दिस जस्ट 15 रुपीज यू हैव 26 संस्कृत पंचतंत्र कथा। और एक और है संस्कृत भारती का पब्लिकेशन, ये देखो दिख रहा है क्या, संस्कृत में जोक्स, संस्कृत में चुटकुले, ओके ओके, यही हसाम। तो चलो, तो अभी कोई भी ये श्लोक का अर्थ थोड़ा थोड़ा समझ रहा है तो बोलना चाहेगा, या फिर मैं चालू करूं? डज एनीबडी वांट टू स्पीक? अर्थम निजम, आई एम निजम, आई एम निजम, तो वो या और था का डिफरेंस क्या है फिर? ओके, तो या इज लाइक दिस, दिस इज या, हाँ दिस इज या व्यंजन, और यर लव जो है आपको या कहाँ से निकलता है, आप यदि अंतस्थ, इसको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, तो य जो है आपके जहाँ से
क निकलता है ना कंठव्य, तो य इज अ क एंड द, मतलब दंतव्य भी है कंठव्य भी है, इसको अंतस्थ बोलते हैं। तो और थ जो है उसका वर्ग ही अलग है, थ इज त थ द ध, तो थ का जो बनाते हैं ऊपर एक छोटा सा गोला दिख रहा है आपको, एक छोटा सा छल्ला जैसा है, दैट इज थ। ओके मुझे उधर ही थोड़ा ये हुआ था, ऊपर या में थोड़ा कर्व आया ना, तो आई कंफ्यूज दैट कर्व विथ थ। सो यूजुअली इन द प्रिंट दैट कर्व डज नॉट एग्जिस्ट ऊपर, लाइक फॉर एग्जांपल इधर जो है। हाँ आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, करेक्ट। जो कर्व है ना वो दैट डिडंट एग्जिस्ट, सो इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बट वी डिस्टिंग्विश विद दैट राउंड, तो अनलेस इट इज अ फुल राउंड ऑन द टॉप, वो तब तक थ नहीं है, तब तक वो यह है। बिकॉज व्हाट वी हैव लर्नड व्हेन वी वर चिल्ड्रन ड्यूरिंग राइटिंग इज यू मेक दिस फर्स्ट एंड देन पुट द टॉप लाइन, तो टॉप लाइन हम बाद में करते हैं। इफ वी वर मेकिंग द टॉप लाइन फर्स्ट देन आई कुड हैव स्टार्टेड लाइक दिस मोर इजीली, लाइक द प्रिंट, बिकॉज यू नो वेयर टू स्टार्ट। ओके समझ गया, धन्यवाद। ओके तो दिस इज नॉट अ गेस वर्क, तो यदि आपको थोड़ा सा आइडिया है, इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ दिस, यू कैन try if anybody wants, Gita ji, Hemant ji, anybody, otherwise I will explain. Am na janami. Uttamam. So aham vadami. So I am nijam means this is mine, ye mera hai. I am is used for ye or this. This is mine. Paroveti. Or that is yours. Or that is somebody else's. This is mine or that is somebody else's. Ganana laghu chetasam. This calculation is done by people who are small-minded. Unki chetana jo hai, utni developed nahi hai. They are thinking very narrow. Narrow-minded you can say. लघु चेतसाम, लघु चेतसाम, सो दिस इज माइन दैट इज योर्स इज कैलकुलेटेड बाय पीपल हु आर नैरो माइंडेड। सो लघु का अर्थ शॉर्ट या नैरो, हाँ स्मॉल शॉर्ट, लघु आपने सुना होगा ना, लघु लघु शंका दीर्घ शंका, हाँ और लघु चित्रम आजकल शॉर्ट फिल्म के लिए लघु चित्र बोल रहे हैं, तो लघु कथा भी होता है, लघु कथा दीर्घ कथा, तो लघु मतलब छोटा। तो अयम निजम परो वेति गणना लघु चेतसाम, इसका अर्थ समझ में आया गीता जी और हेमंत जी? पर आपने सुना होगा ना, पर स्त्री, पर धनम, दैट मीन्स पर दूसरे का, somebody else's, पर इज यूज्ड फॉर somebody else, परदेसी, हाँ परदेसी, सम अदर कंट्री, परदेश अदर कंट्री। So, Shamaswa Acharya, I didn't hear anything. Wow, what there was happened? No audio for me. There was no audio at all. I don't know what has happened today. Tabhi, when we were trying to talk to you earlier also, you were not hearing anything, I guess, earlier also. ओके आपने ये श्लोक लिखा, आर यू एबल टू राइट द श्लोक गीता जी? ओके उत्तमम, तो आई विल जस्ट स्पीक द फर्स्ट लाइन अगेन। आई एम निजम,
दिस इज माइन और परोवेति और दिस इज समबडी एल्सेस. दिस इज अ गणना लघु चेतसाम. दैट गणना मीन्स कैलकुलेशन. सो दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन इज डन बाय लघु चेतसाम, शॉर्ट माइंडेड पीपल, नैरो माइंडेड पीपल हुज थिंकिंग इज नॉट टू मच. दे आर थिंकिंग वेरी स्मॉल. You can write it down. I'll give you a minute to write if you are writing it. Huh. I've written out here. And next line is, now you can probably guess the next line. Udar Charita Naam means people who are broad-hearted. Udar Hriday ke jo log hain. People who can think of everybody else. Udar Charita Naam tu. For them, Vasudhaiva Kutumbakam. The whole earth is family. Very nice, Ajay. So now you know where is the Vasudhaiva Kutumbakam phrase comes from. It is from this shlok. Ayam Nijam Paroveti Ganana Lagu Chetasam Udar Charita Naam Tu Vasudhaiva Kutumbakam. चलो अभी एवरीबडी ट्राई वंस स्पीक द श्लोक एंड टेल मी द मीनिंग. वन पर्सन स्पीक्स द श्लोक, सेकेंड वन टेल्स द मीनिंग. ओके नवीन महोदय. अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम्. Nice. इसका अर्थ कौन बताए? Who will tell the meaning? गीता जी, you want to say? I'll try, Acharya. Okay. This shloka says that so what I am is true, and someone else's mindset, which is of calculating mentality, is of narrow mindedness, and people who are magnanimous consider the entire world as their family. Almost. So first line when you said ki, what did you say for the first line, Gita ji? I am something. When I said I'm what I am is true. It's true or something. Okay, true. It's not just about true, but it's like this is mine. This is my home. This is my computer. This is my book. So that is that ownership. That particular, that way of calculation is narrow-minded, but calculation itself is not narrow-minded, but this is mine, that is yours, that type of calculation is narrow-minded, right? My house, my everything is mine. So that calculation. Okay. Nijam. हाँ बोलिए गीता जी. सॉरी नो एक्चुअली आई थॉट आई एम निजम परोवेति. आई थॉट डिफरेंट मीनिंग गणना लघु चेतस. आई थॉट इट्स अ डिफरेंट मीनिंग. दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज द ट्रुथ. आई एम व्हाट आई एम ट्रूथफुल एंड हु वन हु कैलकुलेट्स और नैरोमेंट. एंड दैट्स व्हाई आई थॉट इट वाज ओके. इट सी इट इज It is a part of it. मतलब what you said is, जैसे हम बोलते हैं ना my thoughts. What I am saying is mine. But what if I am not listening to anybody else? I do not pay attention to somebody else. So your what you just said is also a part of the same thinking, but it's wider. That this is mine, that is yours. That is calculated by short-minded people. So basically not just for objects or material things, but also to
your thoughts also. This is my thought, that's their thought. My space, like, my place, everything. Okay, so chalo, next, Mohaji wants to speak and maybe Hemanji will explain. अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। हेमंत महोदय, जो लोग छोटा सोचते यह भी मेरा है वह भी मेरा है, वो की सोच छोटी है, और जो लोग उदार चरित्र वाले होते हैं वो सोचते हैं कि पूरा विश्व और पूरा संसार जो है वो हमारा घर, सब कुछ मेरा परिवार ही है, तो चाहे नाइस। तो एक्चुअली व्हाइल लर्निंग दिस श्लोक एंड व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग इट एंड जस्ट रीडिंग इट आउट, वो एक जो बड़े फैमिली वाली फीलिंग है ना, अपने आप अंदर से थोड़ी सी निकल के आने लगती है। इट इज नाइस दैट फीलिंग इज दैट्स हैपनिंग राइट नाउ। थोड़ा एक उदाहरण बतानी थी इसमें, मुझे समय है एक दो मिनट? हाँ बिल्कुल बोलिए। हाँ, तो इसमें एक एग्जाम उदाहरण ऐसा है कि जो भी कुछ व्यापारी लोग हैं वो सोचते हैं कि ये ऐसा क्या बोलते हैं करप्ट या फालतू प्रोडक्ट करके, या फॉर एग्जाम्पल फॉर इन द फार्मा इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दे इफ दे डोंट डू अ प्रॉपर रिसर्च ऑन द मेडिकल ड्रग एंड रिलीज इट इन टू द मार्केट जस्ट फॉर प्रॉफिट्स, ये मुझे मेरे कंपनी को इतना लाभ होगा, तो दैट अफेक्ट्स लॉट ऑफ पीपल. If they don't think the entire people are my own people and they release the drug, and in the future that drug affects many generations, then their own children have to marry people from that set of people only, right? Eventually. Eventually, their own children, the pharmaceutical company children, they have to marry from outside the what they thought outside people. From them only they have to marry and bear children and whatever. So, Correct. Nice. Now I will tell you a fun shlok. This was a very deep shlok. वसुधैव कुटुंबकम, तो बहुत गहरा मतलब है उसका। अभी एक मजेदार श्लोक हम सीखते हैं आज। आज का दिन हम श्लोकों के लिए मान लेते हैं। और अच्छा, आपको विभक्तियां अभी देखनी है या थोड़ी देर में मैं दिखा दूंगा? थोड़ी देर में, आफ्टर दिस श्लोक वी विल सी। तो दिस वन सेज काकः कृष्णः पिकः कृष्णः यू अंडरस्टैंड काक एंड पिक काकः काकः इज अ क्रो काकः इज बर्ड पिकः इज द कुकू कोयल कुक कोयल कोयल हाँ राइट तो काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो तो वी आर सेइंग क्रो इज ब्लैक कुकू इज ऑल्सो ब्लैक देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोयल एंड कौवा बिटवीन द क्रो एंड द कुकू
So it's Pika. Pika ka. Muaji wants to say something. Pika ka kayoh. So pika is the cuckoo and ka kayoh. Kaka is the crow and kaka yoha is a vibhakti, means between them, they want to say ko bhed pik kaka yoha. Yes, Mohaji, you were saying something. Kuch nahi, ye matlab iska arth pooch rahe the na, ab to wo batane ki koshish kar rahi thi. Achha, bol lijiye na, aap bol lijiye. Ji, matlab jab kawa bhi kala hai aur koyal bhi kali hai, to usme antar kyun hai? To antar hai वाणी की मधुरता का, तो जो मधुर बोलता है वो सबको प्रिय होता है और जो कर्कश ध्वनि में बोलता है वो अप्रिय होता है। हाँ, तो अब जो यहाँ पे आने वाला है, दैट इज जो अभी आपने बोला ना, उसी को वो रूपक में प्रेजेंट करेगा। मतलब इट्स लाइक इट डजंट से दैट डायरेक्टली, बट दैट इज व्हाई इट्स अ जोक, इट्स अ फनी श्लोक। तो यू विल सी व्हाट हैपेंस। वसंत समये, आज ये मेरी मम्मी ने मुझे सुनाया, तो हम लोग श्लोक श्लोक खेल रहे थे, एक वो सुना रही थी, एक मैं सुना रहा था, तो मम्मी ने मुझे ये वाला सुना। वसंत समये प्राप्ये, दिस मीन्स व्हेन द स्प्रिंग टाइम कम्स, वसंत समये प्राप्ये काकः काकः पिकः पिकः। So it doesn't really say ki who is sweet and who is not sweet in his inner her voice, but it just says when springtime comes, then the crow is crow and the cuckoo is cuckoo, because only then they speak. So then you know who can do what. So kakah kakah means crow is crow and pika pika is cuckoo is cuckoo. So this is also a nice fun shlok. You can actually, this is a nice one to tell kids also. Kakah krishna pika krishna ko bhed pik kakayoh vasant samaye prapye kakah kakah pika pika. It can be spoken with a little bit of expressions. So now we will let Geeta ji speak the shlok this time. Geeta Mahodaya, shlok vadatu. पंच निमिष ददामि, पंच निमिष आगतः। तो आई सेड आई एम गिविंग 5 seconds टू गीता जी, पंच निमिष ददामि आई एम गिविंग एंड पंच निमिष आगतः, मतलब नाउ इट इज डन। ओके, सो हेमंत महोदय श्लोक वदतु। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिकः काकः वसन्ते समये प्राप्ये काकः काकः पिकः पिकः। So now when you see, when we are thinking of a fun shlok, always remember, imagine if you are telling it to a kid, because fun, when you want to make something funny, think of a kid. So then when you speak the shlok, what are the places in the shlok which you want to speak with a different kind of expression? So imagine and then speak. So then kids will get interested.
would you want to try once more, Hemant ji? I'm not saying you are saying anything wrong. I'm just saying that how to raise that interest in the... How to present it to kids. Kaka Krishna, Pika Krishna. Go away, Pika Kaka Kayo. Vasante Samaya, Kaka Kaka, Pika Pika. This is better. Better. Yes. Naveen ji, you want to try? Geeta ji's mic has some problem because Geeta ji is still typing on the chat. I can see she is saying, are you trying to speak to me? And probably she is trying to speak, but we are not able to hear Geeta ji. Okay. Aham prayatnam karomi. Astu, astu. So whenever you want to say okay. Astu. Astu. Takah Krishnah, Pikah Krishnah, Ko Bhed Pikakakayoh, Vasant Samaye Prapye Takah Kakah, Pikah Pikah. nice. And it talk it's okay because it makes a difference. You have kids around you right away, so you regularly speak in that way, right? So so Hemant ji will learn when he has kids around. it will happen. Ho jata hai. Any kid, actually, it doesn't have to be your own kid, but nothing to degrade anything, Hemanji. Just it's a process, and also like it also depends on how you are taught stories, right? Even if you taught stories in this fashion, like with expressions and so. हमको भी आ जाता है जब बच्चे आसपास में रहते हैं तो उनसे बात करने के लिए if we just say it like a sentence they will not show much interest so we have to animate yourself तो expressions अपने आप आएंगे nice okay so you understood the meaning of this one also. This one is very easy, right? Okay, so now I will bring the Vibhakti Prasht. Vibhakti Prasht Atra Asti. Prashna Asti Va? Naveen Mahode? Na, Prashnaha Nasti. If you can send this as a PDF, put it in the group. What I want to do is, Aham Kim Karomi is like, I want to make a example table with the Vibhaktis also in Sanskrit and as well as on the side in my own mother tongue. Telugu mein aur Sanskrit mein likhe, you want to do that. Okay. Sanskrit will be there. Sanskritam udaharanam asti. Mama Matru Basha Udaharnam Eva Masti. Okay. Okay, PDF. So why I'm saying why I'm doing that is for my kids who already know their mother tongue Telugu, they are learning Sanskrit right now. So it will become easier for them to relate. Oh, in this situations. You use this Vibhakti. So that's why I'm trying to do that. Mm-hmm.
ओके ठीक है आई विल सेंड नॉर्मली आई समटाइम्स सेंड द पीडीएफ आफ्टर द रिकॉर्डिंग आई डोंट रिमेम्बर सेंडिंग इट एवरी टाइम बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता था कि रिकॉर्डिंग के अंदर भी वो फुल डिस्प्ले आ ही रहा है सो इफ समबडी वांट्स वी कैन टेक स्क्रीनशॉट्स आल्सो बट या आई कैन सेंड पीडीएफ तो पावर पॉइंट को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा एंड आई विल सेंड ओके सो लेट अस क्विकली लुक एट वन थिंग टुडे ओके डिड वी डू दिस आई डोंट थिंक वी हैव डन दिस दिस पेज कंसोनेंट्स जनम सो नवीन महोदय अत्र ऋषि उपविशति कः उपविशति अत्र उपविशति अत्र उपविशति ओ कः उपविशति कः उपविशति ऋषि ऋषि कुत्र उपविशति मैं हिंदी में चले गया कहा कहा ओ क्षम्यता कहा उपविशति ऋषि ऋषि उपविशति पुत्र उपविशति अत्र अत्र उप अत्र उपविशति हाँ नाउ यू कैन से तत्र बिकॉज़ For me, it is like on my screen, so I can say Atra Upavishati. For you, it is a remote Atra Upavishati. Okay, now can you ask somebody else in the call? Any of the questions? Pranavayu. कुत्र अस्ति प्राणवायु अस्ति तस्य प्रश्न गीता महोदय हेमंत महोदय महा महोदय कस्य प्रश्न अस्ति नवीन महोदय हेमंत महोदय हेमंत महोदय प्राणवायु कुत्र अस्ति प्राणवायु शरीरस्य अस्ति आम शरीरे शरीरे हाँ विभक्ति टेबल हम जाते हैं एक मिनट में दिखा देता हूँ देखिए सप्तमी देखिए तो सप्तमी में व्हेनेवर यू वांट टू से इन और ऑन तो शरीर में है राइट यू वांटेड टू से शरीर में प्राणवायु तो रामे लाइक शरीरे तो शरीरस्य यदि आप बोलेंगे तो शरीर का हो जाएगा तो दैट इज आल्सो ओके रिमोटली ओके यू कैन से प्राणवायु शरीरस्य अस्ति मतलब प्राणवायु इज ऑफ द बॉडी बट यू प्रोबेबली वांटेड टू से प्राणवायु इज इन द बॉडी राइट हेमंत जी गीता महोदय चैट संदेशम प्रेषयति अहम आगच्छतु करोमि अहम आगच्छतु आगमिष्यामि क्योंकि आप फ्यूचर बोल रहे हैं तो गमिष्य बोलना होगा और आ लगाया तो आता हूँ तो आई विल कम बैक और एक और भी है नया पुनः मिलामह तो फिर मिलेंगे सी यू अगेन यू कैन राइट इट ऑन द बैक ऑफ योर कार पुनः मिलामह लॉट ऑफ ट्रक्स गीता महोदय ना शुनति मोहा महोदय भी गायब हो गई गीता महोदय कैन यू हियर अस
She can't. In the chat, she's saying she can't hear anything, Geeta Mohan. But now her voice was coming. Aham Kaksha. Kakshayasti. Kakshayam. Kakshayam. Kaksha me. बट कक्षा इज आकारांत स्त्रीलिंग शब्द राइट तो कक्षे नहीं होगा ना उसका उसकी विभक्ति आर डिफरेंट सो वी हैवंट लर्न दैट वी हैव लर्न वी हैव लर्न उत्तम पुरुष राइट वी हैव लर्न उत्तम पुरुष एक्चुअली वो पता नहीं बैटरी एकदम से बंद हो गई लैपटॉप की तो मैंने मोबाइल पे अभी लॉग इन ओके तो आप क्या बोल रहे थे नवीन जी ये जो विभक्ति का जो भी हम टेबल बनाए वो उत्तम पुरुष का है ना प्रथम पुरुष द्वितीय पुरुष और उत्तम पुरुष ऐसा होता है इज इट लाइक दैट हाँ उत्तम पुरुष इज माई सेल्फ अहम उत्तम इज माई सेल्फ या अन्य प्रथम पुरुष प्रथम इज अन्य सो somebody else हाँ प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एंड मध्यम पुरुष तो मध्यम इज यू सो हाँ धीरे धीरे आएगा पहले हम एक वचन की विभक्ति सीखते हैं उसके बाद बहुवचन वो सब भी आएगा धीरे धीरे वी विल अंडरस्टैंड ऑल दैट तो कौन बोला पुनः मेरा मां हेमंत जी गीता महोदय गीता महोदय रोट ऑन दिस अहम आगच्छत् चैट लास्ट टाइम तो शी सेड इट मोर करेक्ट आगच्छामि शी सेड आगच्छामि विच मीन्स आती हूँ विच इज ऑल्सो एंड मोर करेक्ट विल बी आगमिष्यामि So it is very exact that you are saying this will be in future. Agamishyami. Agamishyami. Oh, Agamishyami. I will come back. Okay. Okay, so hopefully I will talk to Gita ji after the class. Maybe she was having problems, so hopefully she is able to learn from the recording at least. Okay, so we can stop now. Kaksha samaptam karomi. Did we cover atra tatra sarvatra anyatra? We did, right? Last. Yeah. नदी कुत्र अस्ति अन्यत्र अस्ति तेलंगाना प्रदेशे कृष्णा नदी अस्ति वी डिड दिस वन राइट अत्र तत्र वी डिड ऑन वन मोर डे आई थिंक ओके यू विल फाइंड समवेयर राइट नाउ आई विल नॉट वरी अबाउट इट But if you want to cover again, we can do. See, whenever we do this like question answer, na, I ask you something, you ask Hemanji something. So you put your whatever you want to try. Atta tatra sarvatra anyatra putra. Okay. Sarvesham namo namaha. Shubharatri. Shubharatri. Sarvesham namo namaha. Shubharatri. पुनर्मिलामः पुनः मिलामः